हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। कहानी को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। चलिए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले एंटोनियो। एंटोनियो वेनिस का एक धनी व्यापारी है और बसेनियो का फ्रेंड है। बसेनियो वेनिस में रहने वाला एक युवा है जो कि एंटोनियो का फ्रेंड है। पोर्शिया बेलमोंट में रहती है और एक धनी महिला है। शाइलॉक एक रिच ज्यू है, वो एक मनी लेंडर है। जेसिका शाइलॉक की बेटी है। नरीसा पोर्शिया की मेड सर्वेंट है। लोरेंजो जो कि एंटोनियो और बसेनियो का फ्रेंड है और जेसिका का प्रेमी है। सोलानियो ये भी एंटोनियो और बसेनियो का फ्रेंड है। ड्यूक ऑफ वेनिस का इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रिंस ऑफ मोरक्को वो भी पोर्शिया के एक अनसक्सेसफुल सूटर हैं, जो उसको शादी के लिए देखने के लिए आते हैं। प्रिंस ऑफ एरेगॉन भी पोर्शिया को शादी के लिए देखने के लिए आते हैं और एक अनसक्सेसफुल सूटर है पोर्शिया के। चलिए कहानी को समझते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है वेनिस से, जहाँ पर की बसेनियो जो की फाइनेंशियली गरीब है रहता है। एंटोनियो उसका फ्रेंड है जो कि बहुत ही रिच है। अब बसेनियो को बेलमोंट में रहने वाली लेडी पोर्शिया से प्यार हो जाता है। पोर्शिया एक धनी फैमिली को बिलोंग करती है, तो बसेनियो के पास क्योंकि वो गरीब है इतना पैसा नहीं है कि वो बेलमोंट जाकर पोर्शिया को इम्प्रेस कर सके, उसके स्टैंडर्ड के अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके या उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर जा सके और उसको इम्प्रेस कर सके। तो वो अपने फ्रेंड बसेनियो से इसके लिए हेल्प मांगता है। वो बसेनियो से कुछ पैसा उधार मांगता है ताकि वो बेलमोंट जाकर पोर्शिया को इम्प्रेस कर सके। लेकिन एंटोनियो जो कि एक व्यापारी है उसको कहता है कि उस समय उसके सारे शिप्स समुद्र में गए हुए हैं और उस समय उसके पास पैसे नहीं हैं। तो एंटोनियो बसेनियो को सलाह देता है कि तुम इस समय किसी से पैसे उधार ले लो और बाद में जब मेरे शिप्स आएंगे वापस तब मैं तुम्हारी उधारी चुका दूंगा, मैं तुम्हारा गारंटर बन जाऊंगा और मेरी गारंटी पे तुम किसी से उधार ले लो। तो बसेनियो इसके लिए तैयार हो जाता है। अब जानते हैं पोर्शिया के बारे में। पोर्शिया बेलमोंट में रहती है और एक बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करती है। पोर्शिया के फादर ने एक वसीयत की है जो की थोड़ी अजीब सी है। अब वसीयत क्या है? वसीयत के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लड़का पोर्शिया से शादी करना चाहता है तो उसको एक शर्त पूरी करनी होगी, उसको एक पहेली सॉल्व करनी होगी। और पहेली क्या है फ्रेंड्स? कि तीन बॉक्स होंगे, एक बॉक्स गोल्ड का है, दूसरा सिल्वर का है और तीसरा ग्लास का है। तो जो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता है उसे सही बॉक्स को चूज करना होगा। कुछ लोग आते हैं पोर्शिया से शादी करने के लिए पर वो सही संदूक या कास्केट का चुनाव नहीं कर पाते हैं और पोर्शिया बहुत ही निराश हो जाती है इस सबसे। उसको लगता है कि उसके फादर ने कैसी विल बनाई है कि उसे तो लगता है कि उसकी शादी कभी हो ही नहीं पाएगी और वो ये सब बातें अपनी अपनी मेड नरीसा के साथ डिस्कस करती है। उधर वेनिस में बसेनियो को एक ऐसा मनी लेंडर मिल जाता है जो उसको उधार देने के लिए तैयार है। वो मनी लेंडर है शाइलॉक। शाइलॉक एक ज्यू मनी लेंडर है और जिसका काम है लोगों को बहुत ज्यादा ब्याज लेकर पैसा उधार देना। वो इसके लिए बसेनियो को 3000 रुपीस देने के लिए, 3000 कॉइन देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पर एंटोनियो आता है। एंटोनियो और शाइलॉक की आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा किस बात को लेकर होता है? एंटोनियो को लगता है कि शाइलॉक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांग रहा है। वो शाइलॉक से उसको कहता है कि इंटरेस्ट थोड़ा कम लो, परंतु शाइलॉक इसके लिए तैयार नहीं होता है। एंटोनियो और शाइलॉक की लड़ाई के बावजूद भी शाइलॉक बसेनियो को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी वजह है कि वो एक शर्त रख देता है। वो शर्त ये होती है कि शाइलॉक कहता है कि अगर 3 महीने के बाद वो पैसा चुकाने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उसका पैसा उधार वापस नहीं करते हैं, तो वो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश निकाल लेगा। तो बसेनियो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, लेकिन एंटोनियो क्योंकि उसको लगता है उसके शिप्स 3 महीने में वापस आ जाएंगे, वो आराम से पैसे दे देगा, तो वो इसके लिए बसेनियो को तैयार कर लेता है और वो लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर बेलमोंट में प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया को देखने के लिए आते हैं और उनके सामने भी वो 3 कास्केट वाली शर्त रखी जाती है। वो भी इनमें से सही कास्केट का चुनाव करना चाहते हैं, लेकिन वो भी गलत कास्केट का चुनाव करते हैं और अनसक्सेसफुल रहते हैं।
इधर एक दिन शैलॉक की बेटी जेसिका जब वो घर पर नहीं थी तो उसका सारा पैसा लेकर अपने प्रेमी लॉरेंजो के साथ भाग जाती है। अब शैलॉक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर वेलमॉन्ट में प्रिंस ऑफ एरेगॉन पोर्शिया को देखने के लिए आते हैं और उनके सामने भी थ्री कास्केट वाली वो शर्त रखी जाती है और वो भी गलत कास्केट का चुनाव करते हैं। बेसानियो वेलमॉन्ट में आता है और पोर्शिया के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। इधर फ्रेंड्स वेनिस में एंटोनियो को पता चलता है कि उसके सारे शिप्स समुद्र में कहीं खो गए हैं और शैलॉक को ये पता चलता है कि उसकी बेटी जेसिका उसका सारा पैसा लेकर अपने प्रेमी लोरेंजो के साथ भाग गई है और वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपना बहुत गुस्सा होता है वो। और वो अपना गुस्सा किस तरह से शांत करना चाहता है, वो एंटोनियो के फ्लैश का एक पाउंड लेने के लिए तैयार है। वो सोचता है कि भाई अब तो 3 महीने का टाइम भी खत्म हो रहा है, उसको गुस्सा अपना शांत करने का एक मौका मिल जाएगा और वो एंटोनियो के फ्लैश का एक पाउंड ले लेगा। तो इधर पोर्शिया और बेसानियो दोनों अच्छा टाइम आपस में बिता रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। परंतु पोर्शिया से शादी करने के लिए बेसानियो को भी सही संदूक का चुनाव करना पड़ेगा। सभी लोगों को लगता है कि इतने राजकुमार आ चुके हैं और कोई भी सही कास्केट का चुनाव नहीं कर पाया तो शायद बेसानियो भी सही संदूक का चुनाव नहीं कर पाएगा। तो उसके सामने भी वही 3 कास्केट वाली शर्त रखी जाती है, लेकिन सबको गलत प्रूव करते हुए बेसानियो सही कास्केट का चुनाव कर लेता है और पोर्शिया बहुत खुश हो जाती है और उसको अपनी अंगूठी दे देती है और दोनों की सगाई हो जाती है। इधर बेसानियो को एंटोनियो का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा है कि 3 महीने का टाइम समाप्त हो रहा है और शैलॉक उसकी जान लेना चाहता है, वो उसके उसका एक पाउंड फ्लैश लेना चाहता है। तो वो बेसानियो को उसने लिखा है कि भाई तुम यहाँ आओ, वेनिस आ जाओ और मेरी जान उससे बचाओ शैलॉक से। तो बेसानियो तब से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। पोर्शिया उससे उसका कारण पूछती है परेशानी का, तो वो सारी बातें एंटोनियो के बारे में पोर्शिया को बता देता है। पोर्शिया उसको काफी सारे पैसे देती है और कहती है कि तुम वेनिस जाओ और अपने फ्रेंड की जान बचाओ। तो बेसानियो पैसे लेकर आ जाता है वेनिस। अब प्ले में सीन आता है कोर्ट का, वेनिस के कोर्ट का। कोर्ट में शैलॉक एंटोनियो को लेकर आता है और ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड मांस निकालने के लिए कहता है, उसको उनको सारी बातें बॉन्ड के बारे में बताता है। तभी बेसानियो वहां पैसे लेकर आता है और वो शैलॉक से एंटोनियो को छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता है कि चाहे तुम डबल पैसे ले लो, 3,000 की जगह 6,000 कॉइन ले लो, लेकिन मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। लेकिन शैलॉक इसके लिए तैयार नहीं होता है, कोई मर्सी उस पर नहीं दिखाता। तभी वहां पर पोर्शिया वकील के भेष में आती है और वो एंटोनियो के बचाव में दलीलें पेश करती है और शैलॉक को एंटोनियो पर मर्सी दिखाने के लिए कहती है, लेकिन शैलॉक इसके लिए तैयार नहीं है। जैसे ही शैलॉक चाकू लेकर एंटोनियो की तरफ बढ़ता है, पोर्शिया कहती है कि ये सही है बॉन्ड के अकॉर्डिंग कि शैलॉक 1 पाउंड फ्लैश एंटोनियो का ले सकता है, लेकिन वेनिस के कानून के अकॉर्डिंग उसका एक भी बूंद खून नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वेनिस के कानून के अकॉर्डिंग किसी भी क्रिश्चियन का ब्लड बहाना पाप है। तो अब उसको समझ आता है शैलॉक को कि ये तो फंस गया, क्योंकि बॉन्ड में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि उसके खून निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उसको समझ आ जाता है कि भाई मैं तो फंस गया और जजेस भी इस बात को मान लेते हैं, पोर्शिया की इस बात को वो समझ जाते हैं। तो पोर्शिया ने पूरी बाजी पलट दी और शैलॉक को दोषी साबित कर दिया। तो शैलॉक कहता है कि भाई ठीक है, मैं तो वो पैसे ही ले लूंगा जो बेसानियो ने मुझे देने हैं, जो 3,000 कॉइन है मैं तो वो ही ले लूंगा। लेकिन पोर्शिया कहती है या तो वो बॉन्ड में जो किया लिखा है वो करे, अदरवाइज उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। पोर्शिया शैलॉक को गिल्टी प्रूव कर देती है और कहती है इसने वेनिस के सिटीजन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है, तो इसको अपनी वेनिस के कानून के अकॉर्डिंग इसको अपनी आधी जायदाद स्टेट को देनी पड़ेगी और आधी जायदाद इसको एंटोनियो को देनी पड़ेगी। लेकिन एंटोनियो और वेनिस के राजा शैलॉक पर दया दिखाते हैं। ड्यूक कहते हैं कि वो शैलॉक को उसकी प्रॉपर्टी शैलॉक की नहीं लेंगे और उससे सिर्फ फाइन लेंगे। और एंटोनियो भी उसको कहता है कि उसको शैलॉक की आधी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन शैलॉक को एंटोनियो की 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त तो उसको क्रिश्चियनिटी को अपनाना पड़ेगा और दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग उसको अपनी सारी जायदाद लोरेंजो और जेसिका के नाम करनी पड़ेगी। शैलॉक इसके लिए तैयार हो जाता है।
इधर बसैनियो पोर्शिया के पास आता है जो कि वकील के रूप में है और वो उसको पहचानता नहीं है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है उसकी फ्रेंड की एंटोनियो की जान बचाने के लिए और उसको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में कुछ मनी देता है, लेकिन पोर्शिया वो पैसे लेने से मना कर देती है। पोर्शिया कहती है कि मुझे अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो जो अपने हाथ में आपने अंगूठी पहन रखी है वो आप मुझे दे दीजिए। इधर बसैनियो सोचता है कि ये अंगूठी तो मुझे पोर्शिया ने दी है और उसने पोर्शिया को प्रॉमिस किया था कि ये अंगूठी वो अपने से कभी भी अलग नहीं करेगा और ये किसी को भी नहीं देगा। लेकिन एंटोनियो उसका फ्रेंड उसको कहता है कि इसने मेरी जान बचाई है, तुम अंगूठी उसको दे दो। एंटोनियो के कहने पर बसैनियो पोर्शिया को वो रिंग दे देता है। अब इधर दृश्य आता है बेलमॉन्ट का। पोर्शिया और नरीसा दोनों वापस आ चुकी हैं बेलमॉन्ट में। जब वहां बसैनियो पहुंचता है तो पोर्शिया उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है, झूठा गुस्सा दिखाती है और कहती है कि मेरी अंगूठी तुमने किसको दे दी है, मैंने तो ये अंगूठी तुम्हें दी थी कि तुम किसी को मत देना, तुमने किसको दे दी। तो वो झूठा झूठा गुस्सा दिखाती है और बसैनियो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बहुत ज्यादा परेशान करने के बाद पोर्शिया उसको सच बताती है, कहती है मैं ही वकील के भेष में आई थी और वो अंगूठी तुमने मुझे ही दी है। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी खुशखबरी आती है कि एंटोनियो के जहाज जो समुद्र में खो गए थे वो ठीक ठाक वेनिस वापस आ गए हैं और इस तरीके से नाटक का सुखद अंत हो जाता है। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।